हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सृष्टि किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आम की फ्रूटी। तो उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए तो उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक आम लिया है। सबसे पहले इसका जो छिलका है उसको निकाल देंगे। फ्रूटी बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और बहुत ही टेस्टी फ्रूटी हमारी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, बच्चों की बहुत डिमांड रहती है फ्रूटी की, तो आप इसको बना सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, मैक्सिमम 10 मिनट। बहुत अच्छे से हमारी फ्रूटी बन के रेडी हो जाती है। तो आम को मैंने छील लिया है, अब इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हम मिक्सी जार में इसका पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आम को मैंने कट कर लिया है, अब इसका हम पेस्ट बनाते हैं। और इसके बाद इसमें हम शक्कर डालेंगे। शक्कर फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, चल रहे हैं इसका पेस्ट बनाने। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आम का पेस्ट मैंने बना लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा आम का पेस्ट बन गया है। अब इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको फ्रूटी पीना हो आप 10 मिनट के पहले आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी फ्रूटी हमारा तैयार हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको छन्नी से छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसकी हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चल रहे हैं इसको एक ग्लास में सर्व करने। तो सबसे पहले हम आइस लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप बनाएं इसको ठंडे ही पानी में बनाएं, नहीं तो आप बना के 10 मिनट तक इसको फ्रिज में रख दें। और इसके बाद हम, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ताज़ा ताज़ा फ्रूटी बन के रेडी हो गया है। ये बच्चों के सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो आप इसको बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा।